आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा चौथी की हिंदी पुस्तक की कविता पड़क्कू की सूझ। कविता के रचयिता हैं स्वर्गीय श्री रामाधारी सिंह दिनकर और कविता का नाम है पड़क्कू की सूझ। तो आइए पढ़ते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भी दिया कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बात समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुंटी खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ, यहां सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। आज हम